नमस्कार दोस्तों, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर बिट्टू कुमार आप सब स्वागत करते हैं शिवान हेल्थ टिप्स में। टैबलेट के बारे में बताया हूँ जिसका नाम है जेड जोवीन टैबलेट। इसका ही फुल डिटेल बताएंगे कौन कंपनी में आती है और किस किस बीमारी में आप उपयोग कर सकते हैं और इसमें कौन कौन कंपोजिशन डाला होता है, यही सब इसमें हम फुल जानकारी देंगे। जान लेते हैं जेड जोवीन टैबलेट किस किस प्रकार के बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप नियमित समय पर 10 बजे सोते हैं रात को और सुबह में 6 बजे उठने के समय सिर दर्द या सर भारी हो रहा है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जेड जोवीन टैबलेट को। और चिंता के समय नींद नहीं आता है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जेड जोवीन टैबलेट के। और ब्रेन के यह रिलैक्स रखता है, ब्रेन को रिलैक्स रखने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जेड जोवीन टैबलेट के। और तनाव को कम करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जेड जोवीन टैबलेट। अगर आपका नींद आने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नींद आपको नहीं आ रहा है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जेड जोवीन टैबलेट के। जान लेते हैं जेड जोवीन टैबलेट सेवन करने का तरीका, इसको आप कैसे सेवन कर सकते हैं। ये आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और खाना खाने के बाद आप इसको सेवन कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह और शाम, सुबह 10 बजे खा लीजिए और शाम के मतलब 8-9 बजे आप भोजन करके ही आप इसको सेवन कर सकते हैं और हफ्ता में इसको 3 बार ही सेवन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से या मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी भी से भी आप सलाह ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं जेड जोवीन टैबलेट में कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। जेड जोवीन टैबलेट में 6 इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। पहला का नाम है एस्टी मधु और दूसरा का नाम है गंधा, का नाम है मंदुका पर्णी और चौथा का नाम है जट मानसी और पांचवा का नाम है टागर और छठवां का नाम है पिंपली। यही 6 कंपोजिशन इसमें डाला गया है। अब हम जान लेते हैं जेड जोवीन टैबलेट कंपनी कौन सी बनाती है। कंपनी बनाती है चरक फार्मा और यह 20 टैबलेट रहता है। अब 20 टैबलेट का MRP है 319 रुपये। ये हम MRP बता रहे हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है उसी के MRP के तहत। अगर आप कहीं मेडिकल स्टोर कर रहे हैं तो कम भी मिल सकता है और इससे ज़्यादा पर भी आपको मिल सकता है। यह ज़्यादातर मेडिकल स्टोर में नहीं अवेलेबल रहता है क्या कि न्यू दवा है, इस पर कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी गूगल पर नहीं डाला गया है। थैंक यू, धन्यवाद।